सब्सक्राइब कीजिए ऑटोमोटिव चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑटोमोटिव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जनरेशन ह्यूंडई क्रेटा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, किया सेल्टोस काफी पॉपुलर रहा और ह्यूंडई क्रेटा की बिक्री कम होते जा रही थी, तो ह्यूंडई ने फैसला लिया है इसका नेक्स्ट जनरेशन 2020 में लॉन्च होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में काफी जानकारी निकल के आई है, उसको हम जानेंगे। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहला बदलाव है इंजन में। जी हाँ दोस्तों, BS6 इंजन अब इसमें मिलेगा। साथ में दोस्तों, ये काफी रिफाइंड होगा और इसकी एफिशिएंसी भी पहले से काफी ज्यादा होगी। इसमें दोस्तों 3 इंजन ऑप्शंस होंगे, 2 पेट्रोल और 1 डीजल। दोस्तों, जो पेट्रोल वर्जन है उसमें 140 BHP की पावर, साथ में 240 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क होगा। वहीं बात करें डीजल इंजन की तो 1.5 लीटर डीजल इंजन विथ 115 BHP और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क होगा। 6 स्पीड मैनुअल गियर का ऑप्शन भी मिलेगा। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में इसका कोड नेम है IX25। दोस्तों, साथ में इसके लेंथ में भी चेंजेस है, इसका लेंथ पहले से काफी बढ़ चुका है दोस्तों, 30 mm बढ़ चुका है और इसका जो नया लेंथ है वो 4300 mm है। साथ में इसका व्हील बेस भी चौड़ा कर दिया गया है, 20 mm पहले से ज्यादा चौड़ी हो चुकी है। दोस्तों, बात करें इसके फ्रंट डिजाइन के तो इसमें स्प्लिट हेडलाइट मिलेगा, साथ में जो टेल लाइट है वो भी स्प्लिट हो गया है और न्यू ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स मिलेंगे जो काफी अच्छे हैं, पहले से काफी अच्छे। साथ में टच स्क्रीन भी होगा, उसमें ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी का यूज भी होगा, सबसे पहले वेन्यू में यूज किया गया था। दोस्तों, इसका 7 सीटर वर्जन भी 2021 अर्ली में आने तक की आशंका है। साथ में इसका जो प्राइसिंग है वो एग्रेसिव होगा, 10.5 लाख टू 16.6 लाख तक। बाकी दोस्तों, आपको किया सेल्टोस और जो नई आने वाली ह्यूंडई क्रेटा है उनमें से आप कौन करेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहें ऑटोमोटिव के साथ। थैंक यू।